आइए नाज़रीन शेख मोहतरम से अपना अगला सवाल पूछते हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इफ्तार के वक्त कोई दुआ बताई है जिसे हम पढ़कर इफ्तार शुरू करें? किसी भी खाना खाने के वक्त या पानी पीते वक्त जो दुआ मशरू है वही इफ्तार के वक्त की दुआ है। अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी खाना खाए या पानी पिए तो उसे चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना शुरू करे। जी बेशक ये दुआ आम खाने और आम पीने की चीज़ों के लिए और यही दुआ इफ्तार के लिए भी है। अलबत्ता इफ्तार के वक्त या उसके दरमियान एक दुआ जो आप सल्लम से वारिद है और उसके अल्फाज से ये पता चलता है कि ये इफ्तार करने के दरमियान या उसके वक्त बिस्मिल्लाह के बाद ही होगी, वो दुआ इस तरह से है कि ज़हबत दमा वबतलतिल उरूक वसबतल अज्र इंशा अल्लाह। तो ये दुआ भी उस वक्त पढ़नी मसनून है। आदमी जब इफ्तार करे तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके इफ्तार करे और ये दुआ उस वक्त पढ़ता है तो आप सल्लम से साबित है ऐसा पढ़ सकता है। शेख मोहतरम आपसे गुजारिश करूँगा कि इस दुआ का तर्जुमा भी अगर आप बता दें तो बहुत बेहतर होगा। ज़हबत दमा, प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, और अज्र इंशाअल्लाह साबित है और मिलने वाला है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकुल्लाह। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।